किसी ने सच ही कहा है कि सियासती विसात पर ना कोई अपना होता है और ना ही पराया, सिर्फ होती है तो सत्ता को पाने की चाहत। शायद इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के पतन की इबारत लिखी गई। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस पाला बदली के खेल में मौज किसी और की ही होगी। 2 महीने पहले ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 10 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर पाला बदली के खेल की चर्चाएं जोरों पर है। दरअसल बीजेपी के अंदर भी सिंधिया के खिलाफ सुर तीखे होते जा रहे हैं। वहीं अंदर खाने की खबर है कि सिंधिया अपने विधायकों और समर्थकों से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने के लिए अपने विधायकों से वादा किया था कि उन्हें बीजेपी सरकार में मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ न हो सका, बल्कि अब पार्टी के अंदर ही विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। पूर्व लोकसभा सांसद प्रेमचंद बौरासी उर्फ गुड्डू ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पार्टी के अंदर ही मोर्चा खोल दिया है। गुड्डू ने कहा है कि सिंधिया सामंती सोच के नेता है और उनके भाजपा में आने के बाद मैं अपने समर्थकों से सलाह मशवरा कर रहा हूं कि अब इस पार्टी में रहा जाए या नहीं। 2 साल पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए गुड्डू ने कहा कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया हूं और बीजेपी में आने के बाद से यहां भी वैसे ही हालात बन गए हैं। ऐसे में सिंधिया से सियासी टसल के बीच प्रेमचंद गुड्डू की घर वापसी तय मानी जा रही है। वहीं सिंधिया के घर वापसी की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। ऐसे में इस बयानबाजी के बाद बीजेपी का सियासी पारा गर्मा गया है। हालांकि पार्टी ने मामले को लेकर गुड्डू को नोटिस भी थमाया है, लेकिन इस पाला बदली के खेल में उपचुनाव से पहले बड़ा घमासान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।